अल्लाह का करिश्मा इब्ने अकील रहमतुल्लाही अलैही अपना वाक्या लिखते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी था। एक बार मैंने काबे का तवाफ करते हुए एक हार देखा जो बड़ा कीमती था। मैंने वह हार उठा लिया। मेरा नफ्स कहता था कि इस हार को छुपा लूं, लेकिन मेरा दिल कहता था कि हरगिज नहीं, बल्कि दयानतदारी का तकाजा यह है कि जिसका हार है मैं उसे वापस कर दूं। इसलिए मैंने मुताफ में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि आकर मुझसे ले ले। कहते हैं कि एक अंधा आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि ये हार मेरा है और मेरे थैले में से गिरा है। मेरे नफ्स ने मुझे और भी मलामत की। हार था भी तो एक अंधे आदमी का, अगर इसे छुपा दिया होता तो शायद किसी को कुछ भी पता ना लगता, मगर मैंने वो हार उसे दे दिया। उस अंधे आदमी ने दुआ दी और चला गया। कहते हैं कि मैं भी दुआ मांगता था कि ए अल्लाह मेरे लिए कोई आमदनी का बंदोबस्त कर दे। अल्लाह ताला की शान है कि मैं वहां से हल्ला आ गया। हल्ला एक बस्ती का नाम है। वहां की एक मस्जिद में गया तो पता चला कि कुछ दिन पहले इमाम साहब की मौत हो गई है। लोगों ने मुझे कहा कि नमाज पढ़ा दो। जब मैंने नमाज पढ़ाई तो उन्हें मेरा नमाज पढ़ाना अच्छा लगा तो लोग कहने लगे कि तुम यहाँ इमाम क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा बहुत अच्छा, और फिर मैं वहाँ इमामत के फराइज अंजाम देने लगा। थोड़े दिनों के बाद पता चला कि जो इमाम साहब की मौत हो गई थी उनकी एक जवान बेटी है। वो इमाम साहब वसीयत कर गए थे कि किसी नेक बंदे से इसका निकाह करा देना। लोगों ने मुझसे कहा जी अगर आप चाहें तो हम इस यतीम बच्ची का आपसे निकाह कर देते हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। तो उन्होंने मेरा निकाह करा दिया। शादी के कुछ दिनों बाद मैंने अपनी बीवी को देखा कि उसके गले में वही हार पड़ा था जो मैंने तवाफ के दौरान एक अंधे आदमी को लौटाया था। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा यह हार किसका है। मेरी बीवी ने कहा ये मेरे अब्बू ने मुझे दिया था। मैंने पूछा आपके अब्बू कौन थे। उसने कहा वह आलिम थे, वह मस्जिद में इमाम थे, और उसके अब्बू वही आदमी थे जिनको मैंने वह हार वापस किया था। मैंने उसको बताया कि यह हार तो मैंने उनको काबा में उठा कर दिया था। वह कहने लगी कि आपकी भी दुआ कबूल हो गई और मेरे अब्बू की भी दुआ कबूल हो गई। मैंने कहा ये कैसे। उसने कहा आपकी दुआ तो इस तरह कबूल हुई कि अल्लाह ताला ने आपको घर भी दिया, घरवाली भी दी और रिजक भी दिया, और अब्बू की दुआ इस तरह कबूल हुई कि जब वो हार लेकर वापस आए तो वो दुआ मांगते थे कि ए अल्लाह एक नेक लड़के ने मुझे मेरा हार लौटाया है, ए अल्लाह ऐसा ही कोई नेक लड़का मेरी बेटी के लिए शौहर के तौर पर अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने मेरे बाप की दुआ भी कबूल कर ली और आपको मेरा खाविंद भी बना दिया। मुखलिस बंदे का काम अल्लाह ताला कभी रुकने नहीं देते, अटकने नहीं देते, बल्कि उसकी कस्तई हमेशा किनारे लगा दिया करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको भी इन साहब की तरह ईमानदार और दीनदार बना दे, फिर दुनिया भी हमारी और आखिरत भी हमारी। आमीन। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जज़ाकअल्लाहु खैर।